<laughs> इन एक्टर्स को आपने दस में से नंबर देने उनके एक्टिंग स्किल के हिसाब से हुमायूं सईद एट ओके मोमर राना सिक्स हसन अहमद हसन अपना वाला हसन सेवन हाँ। नुमान एजाज एट दानिश तैमूर एट क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मोमर को इतने कम नंबर क्यों दिए एक्चुअली ना वो आ, अभी थोड़ा सा ऑफ हो गया है तो मैंने उसकी एक्टिंग इतनी वो तो मतलब वो बिल्कुल एक अलग उस पर लीड में बड़ा अच्छा काम करता उसको मौ। तो मौका नहीं मिल रहा है ही, यहाँ पे चांस, भी नहीं मिलता। तो चांस ही। जब मिलता है जैसे भी आपने जवेरी से पूछा तो स्ट्रगल वाली बात लड़ेगा ना वो फोन करके आप कोई बात नहीं अच्छा ये बताए किस तरह की बातों में आपको बहुत जोर का गुस्सा तीन बातें अच्छा हाँ नहीं पहले आप तीन बताएं नहीं अच्छा आप तीन बताएं बता, पहले पहले okay, <laughs> बता <laughs> नहीं ये बताते हैं पहले तो यही है दूसरी बात कि झूठ से नफरत है मुझे ठीक है मैं कहता हूँ छोटी सी बात करनी हाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सच बोल के भी ठीक है ना मुझे ऐसा फील होता है तीसरी बात ये सिस्टम से मैं बहुत डिस हूं ठीक है जवेरिया जी की तीन बातें जो आपको बहुत ऑफेंड करती हैं घर भी जाना है तेरी <laughs> 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 घर भी जाना है नहीं एक तो जवेरिया के ये है कि कभी किसी बात पे ऐसे गुस्सा आ जाएगा बैठे बैठे अब वो गुस्सा जो है वो सब पे आएगा बच्चों बेभी, बेभी, सब, पे भी नौकर पे भी सब मतलब हर चीज पे गुस्सा होगा और समझ में नहीं आएगा सब परेशान हो जाते हैं भाई हुआ क्या है हार्मोन्स अच्छा ये अपने वाला हार्मोन्स <laughs> है और हमारा जो है हम पागल हैं <laughs> <laughs> मतलब वो आप समझ रहे होंगे कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी है? नहीं <laughs> उल्टा बोल <मुल> दिया <laughs> <laughs> नहीं मैंने <ना> चेंज किया <laughs> अच्छा इनके लिए अच्छा हाँ कि इनकी और इनकी ये कि जो बात ये करती है ना कि यही होगा तो फिर वही मतलब वो लकीर हो जाती है कि यही करना है तो मैं कहता हूँ उसमें थोड़ी लचक पैदा करो किसी से नाराज हो जाएंगी तो फिर चाहे वो कुछ भी कर लेंगे इन्होंने बात नहीं करनी ठीक है तो मैं अच्छा। कहता हूँ नहीं एक मौका देना चाहिए बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग दस चीजें हो जाती है इंसान में ठीक है अच्छा आपको क्या लगता है कि कौन से हमारी इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं जो कि जोड हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही अगर मिले तो रियली एक्सेल इन क्राफ्ट यार मैं आपको एक बार बताऊँ मैं आपको एक बात बताऊं यहां पे सब अच्छा काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं ये आपको लक है आपका नसीब है कि आपको वो चैलेंजिंग करेक्टर्स मिल जाए वो काम मिल जाए अब जैसे मैंने पाँच साल बाद काम किया मुझे किसी ने काम के लिए नहीं कहा मुझे एक दिन हुमायूं सईद कहने लगा यार तू काम करता है आजकल अच्छा। मैंने कहा नहीं मेरे पांच तंदूर लगे हुए लाहौर में और छह रक्षाएँ चल रही हैं भाई मेरी तो एक अजीब सा सवाल था मकसद कहने नहीं कि यहाँ पर फजल है बहुत अच्छा एक्टर है बेबी बाजी वेरी गुड एक्टर उस उसको मौका नहीं मिल रहा एक मौका मिला उसने प्रूव किया और आपको कोई भी एक्टर हो मेरी नजर में ये कोई भी हो मौका मिलेगा वो अपना हंड्रेड परसेंट दे अल्लाह तला मौका देता है अब उसमें आपने हंड्रेड परसेंट अपना डालना है अब वो कोई भी हो सकता है ठीक है अच्छा किस फीमेल एक्टर के साथ पहले या अब आपको काम करना बड़ा चैलेंजिंग लगता है

तो आप उसमें ना आप ऑफ हो जाते हैं कि यार ये सीन सीन में अचानक जो है कल ही हम एक सीन कर रहे थे उसमें भी अच्छा खासा सीन बोल रहा हूँ दम... अरे भाई <laughs> तो ये ग्रांड लेती है आपको सेट पे ये, एजी, एजी एजी बहुत ले रही है आपको ऐसा जी, क्यों ख्याल कर रही होती हूं ये कहते हैं लेकिन फिल्म्स के टाइम पे कौन सी एक्ट्रेस थी जिनके साथ काम करना आपको बड़ा चैलेंजिंग लगता बता दें आज बहुत पुरानी बात होगी यार फिल्म बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था उसमें चैलेंजिंग नहीं था उसमें तो सीधा सीधा काम था उसमें क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेल ओरिएंटेड था ठीक है ना ना तो मेल में ना हीरो वैसे ही डोमिनेट करता है तो उसमें तो सारी चीजें हमने ही करनी होती थी उनका तो तीन या चार डांस होते थे और अपना दो चार तो सीन होते थे कोई फटे होते होंगे कोई सेट पे तंग्रम थ्रो करो नो इसका मतलब है इनके सारी एक्ट्रेसेस के साथ तालुकात ठीक था मेरे ठीक सारी एक्ट्रेसेस सारा स्टाफ जितना एवं शाहनूर जितने लोग थे मुझसे बहुत खुश थे खुश थे ठीक है इसका समझ गया मैं मतलब <laughs> मैं अभी अभी आपको बताऊं कि मैं जब भी लाहौर जाता हूँ ना ये बेगम खुद परेशान होती है मुझे इतना कोई मतलब आ, मेरी दोस्ती रैम्बो से भी है अरबाज से भी है शान से भी सबसे शान और मैं इस तरह साथ होते हैं कि मतलब बारह बारह घंटे जो घंटे हम साथ हम घर बैठे हैं, खाना खाए तो मेरे ना सबसे यही होता सब नाराज होते हैं कि आदों से ना मिलो तो नाराज हो जाते हैं कि तुम हमसे नहीं मिले नहीं, ये तो बात तो मैंने आपके बारे में नोटिस आपकी माशाल्लाह सबके साथ दोस्ती है ये देखिए ये बात है है ये सही अब पीछे फड्डे हो भी हों हमें नहीं पता नहीं नहीं मैंने ज्यादातर वो मसले हल ही किए सबके कभी खराब नहीं किए ठीक अच्छा इंडस्ट्री में आने से पहले तीन चीजें जो यंगस्टर्स को अपने जहन में रखनी चाहिए यंगस्टे में... को पंक्चुअलिटी और थोड़ा सा ना जेल होना चाहिए ठीक है ना हमने जब अभी ये ड्रामा कर रहे थे उसमें हम सब एक फैमिली की तरह हो गए थे इवन की जब लास्ट last... डे शूट था तो हम सब मतलब जितने भी थे हसन था मैं जुनेदम सब एक दूसरे से मतलब फील कर रहे थे हम जा रहे हैं हमारे डायरेक्टर भी रो रहा रो रहे रहे थे थे रो रो रहे थे, रहे थे रहे रहे रो रहे इस तरह से माहौल होना चाहिए सेटों पे एक फैमिली वाला क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से सुना है मैंने देखा नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि यार वो एक्टर कहता है मेरी कमरा अलग कर दो कोई कहता है मैं उधर हूँ वो उससे आपकी बाउंडिंग नहीं थी वो ड्रामे में वो फीलिंग्स नहीं आती मुझे फैमिली की आनी चाहिए या मियाँ बीवी की एक दोस्त की आनी चाहिए तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि सब मिल के बैठें उसको डिस्कस करें करेक्टर को बैठ के एक दूसरे से बात करें तो वो मेरे खास एक अच्छी चीज़ निकलती है दैट्स वॉट आई फील और तीसरी चीज़ ये है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता इंडस्ट्री में कि मैं बड़ा स्टार हूँ वो छोटा स्टार है आप बड़े स्टार वो हैं जो आप छोटों को केयर करें मतलब जो यंगस्टर नए नए लोग आते हैं या नए काम करना चाहते हैं उनको आप बूस्ट करें उनको सपोर्ट करें ये ना करें कि यार दिस इज़ नॉट माई जॉब तो वो वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए ठीक है सर थैंक यू आपने भी बड़ा अच्छा सारे सवालों का जवाब दिया